हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। तो पहले तो आप लोग मुझे बताओ, आप लोग कैसे हो? मैंने बहुत दिनों से इयररिंग नहीं पहने हुए थे, उतार दिए थे। अब जाके आज मैंने पहन लिए हैं। अब मैं चलती हूँ कंघी करने, बाहर डालती हूँ। और आज मैंने पहनी है ये ब्लैक साड़ी। कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके बताना, मुझे पता है ऐसे मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा पूरा लुक। एक बार आप लोग को पूरा लुक दिखा दूँ। और बस मैं रेडी हुई हूँ, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया है। और आज अभी बज रहे हैं 9। अभी आज मेड भी नहीं आई मेरी, मुझे लग रहा है वो आएगी भी नहीं, क्योंकि इतना लेट वो करती नहीं है। अब मैं इतना रेडी होकर के बर्तन तो धुल लेने वाली हूँ, अब देखा जाएगा जो होगा। आप लोग सोच रहे होगे कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ऐसी देखो मुझे, मैं तो तैयार हो गई, क्योंकि फिलहाल ये वीडियो जो है वो 1 हफ्ते पहले का संडे का वीडियो है। संडे वाले दिन तो आराम से फुर्सत रहती है, सारे काम की कोई जल्दी नहीं रहती है। तो बस मैंने पहन ली थी मैं कैसी साड़ी। लग रही हूँ? अच्छी। और मम्मा स्माइल का पानी बन गया। ओ, ये खराब हो गई क्या? पानी बन गया लेकिन ना। आप क्या कर रही हो? सारा दिन हुला वो करती रहती हो क्या? क्यों भाई? मन करता है। और देखो कितनी अच्छी धूप निकली है ना। लेकिन कपड़े तो हमें धुल ही नहीं है, कल ही मैंने धुल दिए थे। फ्री हो गई मैं संडे को। और इतने दिनों से क्या है ना, ठंड भी इतनी पड़ रही थी कि ठंड में साड़ी वाड़ी पहनने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है, ठंड लगती है। तो अब मौसम जो है वो भी ठीक हो चुका है, तो अब मैं तो साड़ी, क्योंकि साड़ी पहनूंगी नहीं तो यूज कैसे होगी, अलमारी में वो रखी रहेंगी। तो अगर साड़ी, जो भी कपड़े हैं, सब पहनने चाहिए अलग अलग, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप की चीजें या एक ही टाइप की ड्रेसेस पहनी जाए। तो साड़ी तो मैं पहनती हूँ, बस ठंड की वजह से थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी। मुझे तो साड़ी में मैं अच्छी लगती हूँ। और अभी देखिए, अभी सुबह बस नहा धोकर मैं रेडी हुई, उसके बाद आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो चाय तो मैंने चढ़ा दी है, और मैं सोच रही थी कि चाय के साथ और क्या बनाया जाए। तो मैंने पापड़ रखे हुए थे, किसके होते हैं, साबूदाने के पापड़ थे, वो यशी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो ही फ्राई कर रही हूँ। चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। वैसे भी अब तो होली आ रही है, तो आप लोग की होली की प्रिपरेशन हो रही है नहीं हो रही है? क्योंकि पहले के लोग तो एक एक महीने पहले से पापड़ बनाना स्टार्ट कर देते थे, बट इधर तरफ तो कोई नहीं बना रहा इधर, क्योंकि बंदर इतने सारे हैं कि पापड़ तो वो पूरे खराब ही कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि इधर कोई भी बनाता होगा। और जब विश्व लक्ष्मी नगर में थे, तब हम लोग ने थोड़े बहुत चिप्स हमने बनाए थे, क्योंकि वहाँ विश्व लक्ष्मी नगर में नहीं थे बंदर बिल्कुल भी, लेकिन इस वाले घर में तो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। यहाँ तो मुश्किल है पापड़ बनाना, तो सब जो भी है वो रेडीमेड ही आएगा दुकान से ही होली के में। और वैसे भी हो सकता है कि होली में हम लोग घर भी जाएं, क्योंकि होली दिवाली तो जाती है, वैसे तो बीच में फिर टाइम नहीं मिलता है, लेकिन होली दिवाली तो जा ही सकते हैं। तो देखेंगे क्या होता है, अभी तो फिलहाल कुछ प्लान है नहीं। और देखिए, बातें करते करते आपसे हो गई चाय रेडी, तो आ जाओ आप लोग भी हमारे साथ चाय एंजॉय करने। साथ में पापड़ और कुछ चिप्स रखे हुए थे, वो भी मैंने फ्राई कर दिए थे, और यशी को दे दिया था मैंने रस्क, अगर उसको खाना होगा तो वो खा लेगी, मैंने भी ले लिए थे। और आयना भी एंजॉय कर रही है अपना चाय पापड़, लेकिन ये इस साइड पे बैठी हुई थी क्योंकि इधर से टीवी सामने दिखाई देती है। और फिर मैं आ गई थी ये बाहर वाले रूम में, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, कलर भी कर रहे थे, तो वो सब फैला गए थे पूरा रूम, वो सब ठीक ठाक किया। फिर मैं यहाँ पर अभी कंघी कर लेती हूँ। अब तो धूप बहुत अच्छी निकलने लगी। धूप क्या, अब धूप एक्चुअली बहुत तेज निकलने लगी, और अब धूप में रहने का उतना मन भी नहीं होता है। बट यहाँ पर यशी मुझसे बोल रही थी झूला झुलाने के लिए, तो फिर मैं उसे झूला झुलाने लगी। और अभी मैंने कट करे हैं एप्पल, तो यशी और आयना दोनों ही खाएंगे। यशी की थोड़ा तबीयत जो है वो अभी इस टाइम खराब चल रही है। गाइस, अब मैं जा रही हूँ, अभी बज गए 11। मैंने थोड़ी बहुत अभी करी अपनी वीडियो की एडिटिंग, क्लिप एडिट कर ली, वॉइस ओवर अभी बचा हुआ है, और बज चुके हैं 11। तो मैं जा रही हूँ किचन में खाना वाना बना लूँ। हस्बैंड तो गए हैं क्रिकेट मैच खेलने, आज भी संडे है तो वो ऐसे ही चले गए थे पिछली बार भी और आज भी। तो अभी क्या है कि उनके आने से पहले मैं किचन का काम जो है वो भी ख़त्म करके फ्री हो जाती हूँ, तो कहीं घूमने उमने का प्लान बनेगा तो चले जाएंगे शाम को। और यशी लेटी है, वैसे तो इसको डॉक्टर के यहाँ भी दिखाना है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है कॉल करके। 24 नंबर है, तो हो सकता है 2 बजे आएगा, क्योंकि डॉक्टर जो है वो 1 से 5 बजे तक बैठते। मुझे आप लोग को बताना भी था रीज़न कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। पहला रीज़न है कि बच्चों के फाइनल एग्जाम्स हैं, तो मुझे उनके ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है,
और यशी का काफी ज्यादा सिलेबस और कोर्स था जो कि कंप्लीट नहीं था, तो इसलिए मुझे उसको करवाना था, बस यही रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि यशी की तबीयत भी खराब चल रही थी, बहुत ज्यादा तबीयत उसकी खराब थी, इतना ठंडी देकर के उसको फीवर आ रहा था और पूरा कांपने लगती थी। तो बस इन्हीं लोग के बच्चों के ध्यान में, मतलब बच्चों के ध्यान रखने में मैं बिजी हूँ, उनकी पढ़ाई भी करवानी है और घर का भी जो भी कामों में वो तो होता रहता है, लेकिन बच्चे बीमार होते हैं ना, फिर किसी चीज में मन नहीं लगता। बस इसीलिए मेरा थोड़ा सा टाइम जो है वो ऊपर नीचे हो गया, जिसकी वजह से मुझे व्लॉग एडिट करने का, अपलोड करने का या शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया, और इसीलिए मेरे व्लॉग्स इतने दिनों से आए नहीं। बट अब उम्मीद है कि मैं व्लॉग्स आएंगे मेरे। वैसे अभी बच्चों का पेपर 26 से है, तो अभी तो स्टार्ट होगा, मैं भी बिजी रहूं तो ना भी आ पाए, और मेरे को टाइम मिलेगा तो आएंगे, जरूर आएंगे। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी मैं जा रही हूँ, जो भी खाना पीना बनाना है वो सब की तैयारी करने में मैं लग गई हूँ। हस्बैंड गए हुए थे सुबह, बट वो अभी आ गए तो कॉल में लगे हुए, बिजी है वो। और आयना अभी हॉल में खेल रही है बॉल से, और यशी अभी लेटी हुई है। तो ये लोग अपने कामों में बिजी है, मैं अपने कामों में बिजी हो जाती हूँ। एक तरफ मैं बना रही हूँ पुलाव और दूसरी तरफ मैं निभोना मटर का। तो मैंने मटर वगैरह तो पीस के रख ली थी, और टमाटर वगैरह उसमें पड़ता है वो भी पीस ली थी। शायद मैंने रेसिपी आप सभी के साथ शेयर किया पहले भी, आज भी मैं बना रही हूँ तो शेयर ही कर दूं, वरना अब जो भी काम है, देखिए काम तो घर पे वही रहेंगे, कुछ काम नया नया नहीं होता है, बट व्लॉग बनाना है, अपलोड करना है, तो जो भी काम करेंगे शूट तो करेंगे ही, सेम लगे चाहे डिफरेंट लगे, बस जो भी अपना डेली रूटीन है वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, तो वही शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए निबोना और पुलाव दोनों साथ के साथ में बन रहा है। उसको मटर को ना भूंजने में काफ़ी टाइम लगा, 20 मिनट तो उसे भूंजना पड़ा, उसके बाद जाकर जो भी मसाले वगैरह ऐड करने थे वो सब किए, और ये बनने में अभी 15 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर मैं बना लूँगी रोटियाँ, जब ये बन गई उसके बाद रोटियाँ बनाई, गैस साफ़ करी, खाना पीना सबके लिए लगाया, और फिर हमें बाहर जाना था, दो जगह जाना था, एक वृंदावन जाना था, दूसरा यशी का डॉक्टर को दिखाने जाना था। यशी को डॉक्टर को दिखाने हमें जाना है मे बी शायद 4:30 वही वृंदावन जाएंगे, वहां से फिर लौटते टाइम पे वही 4:30 या 5 बजे डॉक्टर को दिखा करके ही फिर घर आएंगे। तो बस यहाँ पर देखिए गैस साफ हो चुकी है और थाली मैंने यहाँ पर सबके लिए लगा दी। तो हम लोग अभी निकल आए हैं, बस ये गाड़ी जो है वो साफ कर रहे हैं, और मैंने तो साड़ी चेंज नहीं करी थी, वही साड़ी पहन करके फिर मैं आ गई बाहर। और फिर बाहर ना फिर बिल्कुल कोई वीडियो शूट करी ही नहीं, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, एकदम अभी सुबह के वही 7:30 या फिर 7 इतना ही टाइम हो रहा है, इससे ज़्यादा टाइम हो नहीं रहा है। और बाहर देखिए बंदर जो है वो स्कूल में उतर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर से नीचे उतरने की, बहुत सारे बंदर है। बंदर को देख करके गिलहरी एक थी वो इतनी तेजी से भागी है। तो आज मैं क्या अभी करने वाली हूँ, ये जो तुलसी जी है ना ये सूख गई हैं, और ये बहुत ही ज्यादा सूख गई हैं, तो इसमें अब दोबारा से पत्ते नहीं निकलने वाले, तो इसको मैं कट करके हटा ही दे रही हूँ, क्योंकि ये रहेंगे तो नए पेड़ भी नहीं लग पाएंगे, वैसे मैं बीज डाल दूंगी तो हो जाएंगे। तो मैंने सारे तुलसी जो सूख गई थी बहुत ज़्यादा वो सारी कट करके हटा दी हैं, और इसको मैं फेंक नहीं रही हूँ, इसको मैं रख दूंगी, कहते हैं इसे दिए वगैरह भी जला सकते हैं, अच्छा मानते हैं, तो मैंने इसीलिए ये लकड़ी जो है ये रख ली है, और अभी यूज़ करूँगी मैं इसको मंदिर में दिया जलाने के लिए। और इस साइड पे भी ये वाली जो तुलसी है ना ये सूखी तो नहीं है, लेकिन इसमें ऊपर ऊपर की डंडी जो है वो थोड़ी सूख गई थी, तो ये भी कट कर ली है, और इतनी सारी लकड़ी जो है वो मैंने इकट्ठी कर ली है। उसके बाद अब मैं जो भी काम अपने मेरे हैं वो सब मैं करूंगी। यहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं चेयर में, इनको मुझे करने हैं फोल्ड। घर भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो वो सब ठीक ठाक कर देते हैं, बेड ठीक कर देते हैं, ब्लैंकेट फोल्ड करके रख देते हैं। आयना यशी अभी उठ चुकी हैं, लेकिन अभी लग चुकी हैं वो अपने खेलने कूदने वाले कामों में। यहाँ पर देखिए यशी कल तो इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत खराब लग रही थी, लग नहीं रहा था कि सुबह ये इतनी सही लगेगी, लग रहा था पता नहीं क्या है। यशी पढ़ाई कर लिया करो, पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, बढ़िया है। यहाँ पे सुबह सुबह बेड में बैठ के पढ़ाई करो, बहुत मजा आएगा। यशी आयना को मैं बोल रही थी स्टडी करो जाकर के, तो देखिए कैसे रजाई ओढ़ करके छुप गई है, और मैंने यहाँ से रजाई उसकी हटाई, मैंने कहा अब कुछ नहीं, कोई नहीं सोने वाला, अब फोल्ड करके सब रखना है मुझे, बेड ठीक करना है, जाओ तुम पढ़ाई करो। तो चली गई है यहाँ से उठ के, मैंने यहाँ पर ये वाला भी रूम अब ठीक कर दिया है, बाकी डस्टिंग वगैरह का थोड़ा बहुत काम है वो सब बचा हुआ है, किचन तो क्लीन है आप लोग देख लीजिए। अब मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए, बच्चों को दूंगी मिल्क, और बाकी जो भी काम होंगे वो सब होंगे,
और रियाना यहाँ पर अपना हुला हू से खेल रही है, इतनी प्रैक्टिस इसने कर ली है। आ जाएंगे। यशी आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है। अब ठीक है? अच्छी पूरे कल के बराबर बहुत खराब थी। कल ज्यादा बहुत खराब हो गई थी। वीडियो बना रही थी ना? हाँ, वो वीडियो इसलिए बना रही थी ना पापा को दिखाने के लिए, देखो इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है यशी को। वीडियो उसके लिए नहीं बना रही थी, चैनल के लिए नहीं बनाई थी, पापा के लिए बनाई थी। यशी अभी ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ। आज शाम को चलेंगे, हाँ, ऊपर चलो। आज शाम को चलेंगे डॉक्टर के यहाँ। हाँ? ठीक हो जाओगे। हाँ, जब आप इसे खोलते हो तो मुझे इस कैमरे में रेनबो का दिखता है। हाँ, तो यहाँ पर मिल्क जो है वो थोड़ा सा गुनगुना सा कर दिया मैंने, और बच्चों को दे दे रही हूँ छान करके। और आयना तो यहीं पर उसकी चॉकलेट चिप्स यही सब चल रहे हैं अभी तक, जो इसको बर्थडे में मिले थे ना वो अभी तक रखे हुए इसके, तो बस वही खा रही है। मैं पहले मिल्क दे रही थी, मैंने मना कर दिया इसने, बाद में फिर ले ली थी। और अब चलते हैं, यशी को भी देते हैं और व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर।